इतनी बच्ची है, 7-8 महीने की, दूध पीती थी यार अपनी माँ का, उसके साथ जालिमों ने यार ये कर दिया। एक दिमाग नहीं, सोच भी कैसे जा सकती है कि कोई ऐसा करेगा। ये इस वक्त खड़ी होने की कोशिश कर रही है ऊंटनी, और ये खड़ी होने जा रही है, और खुद से इसने हिम्मत की है खड़े होने की एक बार। जो इसके साथ ट्रॉमा हुआ है इसके बाद से, ये इंसानों से डर रही है, और इसका डर कम करने की यहाँ पर जो स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है कि क्योंकि एक ट्रॉमा से गुजरी है, एक इंसान ने इसका पाँव काटा है, तो ये कैसे उस पर भरोसा कर ले किसी भी इंसान पर कि ये मेरे पास आ रहा है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके तो दिमाग में यही चल रहा होगा, इसको तो यही खौफ होगा कि फिर कोई मेरा पाँव काट देगा, कोई मेरी गर्दन काट देगा, कोई क्या कर लेगा, तो उस वजह से ये सहमी सहमी सी है, मगर कम हो रहा है इसका खौफ। यहाँ लोग इसके पास बैठ रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, इसको खाना दे रहे हैं, इसको प्यार कर रहे हैं कि इसका डर कम हो, इसका ट्रॉमा कम हो, लेकिन एक वक्त तो लगेगा ना। इसका पाँव काटा गया है जालिम वढ़ेरे ने, दरिंदों ने, इसके साथ जो जुल्म किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, एक मासूम एक बेजुबान जानवर के साथ। इसको कराची मुंतकिल कर दिया गया है, यहाँ इसकी बहन रही है, और जख्म की नौयत अभी ऐसा नहीं है कि ये भर जाए, जख्म अभी भी गहरा है, खून की रवानी अलबत्ता रुक गई है, लेकिन इसके आंसू अभी भी बह रहे हैं, इसकी यानी के आवाजें चिल्लाने की अभी भी हमने सुनी है। ये खा पी रही है, अच्छी बात है, यानी कि इसने खाना पीना शुरू कर दिया है, मगर इसके लिए मुश्किल है उठना बैठना। अब इसके बारे में बताएं कि ये क्या, इसको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, कहाँ पर ये मौजूद है, कैसे सब कुछ होगा? अच्छा, तो ये अभी हमारे पास शेल्टर पे है, CDRS बेंजी कराची शेल्टर पे, और यहाँ पर हमारा एनिमल शेल्टर हाउस है जहाँ पर हम लोग स्ट्रीट एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं रात से। रात के मुकाबले में अब इसकी कंडीशन बहुत बेहतर है, मतलब मैं बहुत बेहतर नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि इतनी डरी हुई नहीं है। रात को अगर कोई इसको देखता, रोते हुए देखता, तो आप लोगों को होता कि ये उसका रोना मुझसे तो नहीं देखा गया, बहरहाल मैंने खुद रोना शुरू कर दिया उसके रोने के साथ साथ, लेकिन वो बहुत तकलीफ में थी, अभी भी वो तकलीफ में है। आप देख सकते हैं कि उसका पूरा एक जो टांग काटी गई है वो पूरी सूजी हुई है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं उसकी शोल्डर से पूरा टांग सूजी हुई है, जिसकी वजह से उसकी टांग इतनी ज्यादा मोटी हो गई है। इसको हील होने में 2.5 महीने लगेंगे, कम से कम 2 से 2.5 महीने, जिस तरीके का इसका वुंड है नीचे का, उसमें से हड्डी नजर आ रही है, बाकायदा हम लोगों ने देखी है कि वो हड्डी नजर आ रही है। वुंड में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि वो 3 दिन पुराना था, लेकिन ब्लड नहीं था क्योंकि वो पहले ही बह चुका था इतना ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ में कमी आई, और ये छोटी बच्ची है, ये सिर्फ 7 से 8 महीने की बच्ची है, माँ के दूध पर थी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैमल का ही मिल्क जो है ना प्रोवाइड करें, जो खा रही है वो खाती रहे, और जो मतलब पानी वगैरह ये पी रही है, जुगाली कर रही है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जुगाली नहीं करती तो हमें लगता कि ये बहुत बीमार है, लेकिन ये जुगाली कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और हमने इसको अच्छी बहुत सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड करने की कोशिश को देखा था, वैसे नहीं रोई थी, लेकिन जब इसको कल रोते हुए देखा मैंने गाड़ी से उतर के, तब मैं रोई, मतलब हुजूम था यहाँ पर लोगों का, लेकिन मैं रो रही थी, और मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लिटरली मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कल मेरे दिल से बहुत सही से बद्दुआ निकली है उस इंसान के लिए जिसने इसके साथ ये किया, क्योंकि वो इंसान नहीं कर सकते, सबसे ऊपर दर्जे की मखलूक है, अल्लाह ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि हम अशरफुल मखलूकात कहा है हमें अल्लाह ने, हमें इंसान, तो इंसानियत कहाँ है, मैं इंसानियत देखना चाहती हूँ, और हम उनके साथ कर रहे हैं जो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जो मतलब वो सिर्फ रो सकती है, खैर उनको लगता है कि उन्होंने कर लिया तो वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला देख रहा है, टाइम लगेगा। इसको IV हमने आज इसको IV दी है, और हम इसको IV कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि इसको स्ट्रेंथ आए, इसको स्ट्रेंथ मिले। आज ये खड़ी हुई है 3 मिनट के लिए, और हम दुआ करते हैं कि रोजाना कोशिश करे खड़े होने की, मूवमेंट करना चाह रही है, और देखें ये जुगाली कर रही है, ये एक अच्छा साइन है कि यकीनन तकलीफ तो कम नहीं हुई, मगर ये एक बेहतर माहौल में आ गई है, खड़ा होना है वहाँ सांगड़ में जहाँ ये थी, वहाँ इस तरह की ट्रीटमेंट, वहाँ इस तरह का ख्याल रखने वाला जाहिर कोई होगा नहीं। यहाँ ये है कि आप जो भी इस ऊँटनी को लेकर कॉन्शियस है, परेशान है कि ये क्या हाल में, तो ये इस वक्त बेहतर हाल में है,
शीमा इसकी बहुत अच्छी तरह केयर कर रही है, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ और काफी सालों से देख रहा हूँ, ये बहुत अटैच रहती है, चाहे कोई आवारा घूमने वाले कुत्ते हों, चाहे बिल्लियां हों, चाहे हम देखते हैं गधे देखते हैं जिन पर वजन डाल दिया जाता है फिर वो नाकारा हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है जख्म के साथ, तो ये बहुत अच्छी तरह इसका ख्याल रखेगी, ये तो मुझे पता है। कम होने में तकलीफ है ज्यादा, कम भी होगी वक्त के साथ साथ, बेहतर माहौल में ये आ गई, अब जो भी परेशान है वो कम अज कम सुकून का सांस ले लें कि ये अब बेहतर माहौल में है और खून इसका बंद हो चुका है, इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, 2-2.5 महीने लगेंगे इसके बाद ये बिल्कुल, जब इसको मस्नूई टांग लग जाएगी तो ये चल फिर भी सकेगी, लेकिन अभी ये बच्ची है, छोटी है, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन दरिंदों ने जो हरकत की है पता नहीं उनके पास दिल दिमाग उनका कैसे पीने दे दी, कि वो हैवान है वैसे वो इंसान कहलाने के तो लायक नहीं है, पकड़े गए 5 लोग और देखते हैं कि क्या उनको सजा मिलती है, क्या कोई बात सर बीच में आता है या वो छूट जाएंगे जो भी है, लेकिन उनका भी हाल कुछ इस तरह का ही होना चाहिए, लोग सही मुतालबा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनके साथ भी यही काम किया जाए जिस तरह उन्होंने ऊंट के साथ किया है। तो ये क्या नाम रखा है इसका, कैमी, कैमी नाम रखा गया है इसका, और ये ऊंटनी है, मैं इसको ऊंट ऊंट कह रहा था, एक दो वीडियो में मैंने ऊंट कह दिया था, लेकिन ये ऊंटनी है और ये बच्ची है अभी, तो सही बात है, बड़ा होता था ऊंट बताता उनको कि वो क्या चीज है, वो उनको हिम्मत भी नहीं होती किसी का वो इस तरह पाऊं काट दे, करते हैं।